2020 से हमें जो कुछ भी देखने को मिला है उन सभी सिचुएशंस के लिए इस तरह की स्मार्ट सेल्फ सफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली सिटी डेफिनेटली एक बेटर जगह है रहने के लिए, जो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में लॉकडाउन के लिए ऑलवेज रेडी रहती है, जो सिटी में रहने वाले लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक सेफ रखेगी। इस तरह की सिटी चाइना में बनाई जा रही है कॉशांग एंड न्यू एरिया। सो लेट अस सी कि चाइनीज गवर्नमेंट की इस सिटी में कौन सी इको फ्रेंडली कैपेबिलिटीज होंगी जिन्हें इस जगह पर बनाया जा रहा है। इस ग्रीन कम्युनिटी के बारे में बात करने से पहले लेट्स डिस्कस कि कैसे किसी को इस तरह की सिटी को बनाने का आइडिया मिला। शोंगयान न्यू एरिया को बनाने का आइडिया चाइना में 2017 में अनाउंस किया गया था, जिसे पूरी तरह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपने अकॉर्डिंग बनाने वाले हैं। शोंगयान न्यू एरिया को बनाने के लिए चाइना में मौजूद हवाई नाम की जगह को फाइनल किया गया एंड शी जिनपिंग ने शोंगयान को बनाने के लिए हवाई इसलिए सिलेक्ट की सो दैट वो चाइना के कैपिटल बीजिंग में रहने वाली लार्ज पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, जहां पर 2021 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 20.9 मिलियन लोग रहते हैं। इतने बड़े नंबर की वजह से चाइनीज कैपिटल की सड़कें भी गाड़ियों से पूरी तरह से फिल देखी जा सकती हैं। बट चाइना में सिर्फ बीजिंग का ही ऐसा हाल नहीं है। ऑन द अदर हैंड बीजिंग के पास मौजूद अदर सिटी कॉल्ड टियांगजिन, जहां पर अराउंड 14 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन रहती है। इसलिए नॉट जस्ट बीजिंग बट चाइना के टियांगजिन में रहने वाले लोगों के लिए रहने की जगह थोड़ी इजी टू फाइंड बनाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने शोंगयान को बीजिंग से 100 किलोमीटर एंड टियांगजिन से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बनाने के लिए जगह सिलेक्ट की कॉल्ड हवाई। 2017 में जब चाइना ने इस तरह की सिटी बनाने के बारे में अपने प्लान्स रिवील किए, तब उन्होंने ये कहा कि वो शोंगयान को बनाने के लिए 18.2 बिलियन युआन मीनिंग 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड शोंगयान को बनाने के साथ वो इस सिटी की मदद से अपनी कंट्री की अनदर बिग प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन को भी सॉल्व करेंगे। बेटर लिविंग प्लेसेस और एयर क्वालिटी का आइडिया किसी भी कंट्री में रहने वाली पॉपुलेशन के लिए नंबर वन प्रायोरिटी रहती है एंड इसीलिए जैसे ही चाइना के लोगों को इस सिटी को बनाने के लिए सिलेक्टेड जगह का नाम पता चला, आसपास रहने वाले लोगों ने हवाई में प्रॉपर्टीज परचेज करनी शुरू कर दी। बट इस भीड़ में 50% लोग वो थे जो अपने लिए नहीं जस्ट हाई डिमांड से प्रॉफिट बनाने के लिए इस जगह पर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे। 2017 में प्लान्स के अकॉर्डिंग शोंगयान को जस्ट 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाने का था, बट पब्लिक से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद शी जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट का साइज 20 टाइम्स इंक्रीज कर दिया एंड इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने एक कॉम्पिटिशन भी अनाउंस किया, जिसके विनर को शोंगयान के आर्किटेक्चरल डिजाइन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। इस कंपटीशन में टोटल 6 चैलेंजेस थे जिसमें लगभग 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। शोंगयान के प्रेसिडेंशियल और कम्युनिटीज को बनाने का चैलेंज विंसेंट गुलाट की कंपनी गुआट आर्किटेक्चर ने जीता, जिन्होंने शोंगयान को बनाने का ब्लूप्रिंट पूरे वर्ल्ड में मौजूद डिफरेंट कंट्रीज के आइडियाज को कंबाइन करके बनाया एंड स्पेशली इस ब्लूप्रिंट को चाइना के वांग सिटी में हुए इंसिडेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, सो दैट यदि फ्यूचर में कहीं फिर से इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो शोंगयान को लॉकडाउन फेस करने के लिए इस तरह की कैपेबिलिटीज दी जाएंगी, जिसकी मदद से शोंगयान में रहने वाले लोग अपने लिए लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी बट खाने के लिए खाना भी ग्रो कर सकेंगे, सो दैट सर्वाइवर के लिए उन्हें किसी और सिटी पर डिपेंड ना रहना पड़े। ये एरिया फोकस करेगा सर्कुलर बायो इकोनॉमी पर, विच इज ये शोंगयान एरिया अपने आसपास सर्कल में मौजूद इकोनॉमी से इंस्पिरेशन लेकर उनके पॉल्यूशन और वेस्ट को मिनिमाइज करेगा, जिससे इस इको फ्रेंडली एरिया में रहने वाले अपने लिए इको फ्रेंडली मटेरियल के साथ अदर रिसोर्सेज बना सकेंगे। विंसेंट गुलाट की कंपनी गुआट आर्किटेक्चर ने ऐसे आइडियाज को यूरोपियन आर्किटेक्ट स्टाइल और मॉडर्न चाइनीज स्टाइल को कंबाइन करके बनाया है। इस स्टाइल के अकॉर्डिंग शोंगयान के नॉट जस्ट डिफरेंट बिल्डिंग्स बट सभी बिल्डिंग्स में रहने की जगह, काम करने की जगह, शॉपिंग करने की जगह, स्कूल एंड स्विमिंग पूल जैसे प्लेसेस होंगे एंड किसी तरह के छोटे सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही सभी बिल्डिंग्स में बर्ड बॉक्स और शेल्फ्स बनाए जाएंगे जहां पर डिफरेंट तरह की बर्ड्स रह सकेंगी।
सेंस शोंगेन को आज की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को मुश्किल समय में अपने घर से बाहर निकलना ना पड़े। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने इस फ्यूचरिस्टिक सिटी में किसी तरह का नॉर्मल इंटरनेट नेटवर्क नहीं बनाया। इवन शोंगेन में वर्क फ्रॉम होम को इजी करने के लिए एंड रिलायबल बनाने के लिए 5G नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग शोंगेन में एक जगह पूरी तरह से ग्रीन हाउस के लिए डेडिकेटेड होगी सो दैट शोंगेन के रेजिडेंट अपने लिए इजीली फूड ग्रो कर सकें, जिसके लिए हाइड्रोफोनिक फार्मिंग और LED लाइट्स की मदद ली जाएगी। इस तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट की मदद से इलॉन के भाई किम्बल मस्क वर्ल्ड हंगर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। एंड इस टॉपिक को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शोंगेन में इस तरह के एक ग्रीन हाउस को बनाने का खर्च अराउंड 17 लाख होगा। ग्रीन हाउस के साथ शोंगेन में इस तरह की डिजिटल फैक्ट्रीज भी बनाई जा रही हैं, जिसमें इस तरह के 3D प्रिंटर्स और प्रोटोटाइप बनाने वाली मशीन्स लगाई जाएंगी, जिसकी मदद तब ली जाएगी जब शोंगेन के लोगों को किसी तरह की मशीन या फिर टूल की जरूरत होगी जो उनके पास मौजूद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में शोंगेन किसी और सिटी से मदद लेने की जगह शोंगेन के लोग अपने लिए खुद ही जरूरत पड़ने पर बेसिक मशीन्स और टूल बना सकेंगे। शोंगेन को इंडिपेंडेंट सिटी बनाने के लिए शोंगेन की सभी बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल्स या फिर सोलर रूफ्स इस्तेमाल किए जाएंगे। शोंगेन में बनाए जा रहे पब्लिक या फिर प्राइवेट गार्डन्स में इस तरह के फ्लावर्स लगाए जाएंगे जो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करें। शोंगेन न्यू एरिया की काफी बिल्डिंग्स अभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए 1,60,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज की मंथली सैलरी अराउंड 10,000 युआन यानी कि 1,18,000 रुपीस बताई जाती है। इतनी बड़ी वर्कफोर्स के बाद भी शोंगेन को रेडी होने में अभी काफी टाइम है। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शोंगेन न्यू एरिया अराउंड 2035 तक एक कंप्लीट ग्रीन सिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। शोंगेन न्यू एरिया के अर्बन डिजाइन पर काम करने वाली कंपनी चैपमैन टाइलर का कहना है कि उन्होंने शोंगेन को लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, मीनिंग शोंगेन में रहने वाले लोगों के घर के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को सेल करने वाली शॉप्स बनाई जाएंगी सो दैट किसी भी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को विद इन 15 मिनट्स में ही अपनी जरूरत का सामान मिल जाए। इसके साथ ही चैपमैन टाइलर ये भी बिलीव करते हैं कि किसी भी सिटी में एजुकेशनल, कमर्शियल, मेडिकल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड्स, ये सभी प्लेसेस एक छोटे से वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल होनी चाहिए, जो शोंगेन न्यू एरिया सिटी की टॉप प्रायोरिटीज में से एक है। सिंस इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रेडी होने में अभी काफ़ी टाइम लग रहा है, इसलिए एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग शोंगेन को कंप्लीट करने में अभी अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन युआन यानी कि $621.7 बिलियन लगेंगे। शोंगेन को बनाने में इतना टाइम एंड इतना पैसा मेनली इस रीजन से लग रहा है बिकॉज शोंगेन न्यू एरिया एक्चुअली में एक रूरल एरिया में बनाया जा रहा है, जहां पर ना ही किसी तरह का कोई मटेरियल अवेलेबल है और ना ही किसी तरह के वर्कर्स। इसलिए वर्किंग साइट पर वर्कर्स को ले जाना एंड मटेरियल को अवेलेबल करवाना इस टाइम डिले और बिग बजट के मेन रीजन है। इस प्रोजेक्ट का इतना कॉस्टली होने की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड अदर कंट्रीज को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। इसलिए 2018 में यूनाइटेड किंगडम ने शोंगेन न्यू एरिया में अपने लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए चाइना के साथ $11.8 बिलियन की डील की। शोंगेन को एक ग्रीन सिटी बनाने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने शोंगेन में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली एक्टिविटीज करने वाले लोगों के बारे में बताने की अनाउंसमेंट की, जिसके बदले में उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दी जाने की बात की गई। ये रिवॉर्ड वेरियस चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट इस तरह की एक्टिविटीज गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने पर गवर्नमेंट विटनेस को $100 से लेकर $1,000 तक का रिवॉर्ड देगी सो दैट चाइनीज गवर्नमेंट शोंगेन को हमेशा के लिए एक ग्रीन सिटी बनाए रख सके। शोंगेन का बिगेस्ट प्रोजेक्ट 2020 में शुरू किया गया कॉल्ड शोंगेन रेलवे स्टेशन, जो टोटल 4,75,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया जाएगा, जिसमें 13 प्लेटफॉर्म्स एंड 23 रेलवे लाइंस बनाई जा रही हैं। एंड शोंगेन के ग्रीन प्लान्स को फॉलो करते हुए इस तरह के बड़े रेलवे स्टेशन के रूफ को भी सोलर पैनल से कवर किया जाएगा, जो शोंगेन की रेलवे लाइंस के साथ शोंगेन के अदर पार्ट्स को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। इस तरह का रेलवे एक ग्रीन सिटी में बनाना अगेन काफी कॉस्टली था, बट नेसेसरी भी,
जो सिटी में ट्रैवल करने वालों का टाइम तो बचाता ही, बट सिटी से बाहर बीजिंग या फिर चाइना के अदर सिटीज में ट्रैवल करने वालों को एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप में से काफी लोग टाइम टू टाइम चैनल को ग्रो करने के लिए काफी अच्छे सजेशंस देते हैं, जो नॉट जस्ट मेरे लिए बट चैनल के लिए भी काफी हेल्पफुल हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई भी सजेशन या फिर वीडियो आइडिया हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लीव योर फीडबैक। एंड यदि आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद हैं तो ऐसी ही सिमिलर वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।